Good morning, children. Today I am going to teach you class 5 general knowledge chapter 6 odd one. Find the odd one out. इनमें से कौन सा अलग है या कौन से odd है? Four animals का नाम है, यहाँ पे कौन सबसे अलग है? Number one, elephant, giraffe, whale, snake. और कौन सा है यहाँ पर? Snake. Elephant, giraffe, whale, snake. इसका आंसर है snug. Snake सबसे अलग है. ये यहाँ पर और है, ठीक है? Then two number, eagle, pigeon, ostrich, deer. Eagle, pigeon, ostrich, deer. यहाँ पर सबसे अलग क्या है? Deer. Three number, mosquito, cockroach, housefly, frog. Mosquito, cockroach, housefly and frog. यहाँ पर सबसे अलग frog. Four number, kangaroo, lion, tiger, ostrich. फोर नंबर यहाँ पर सबसे अलग है, सबसे और है ऑस्ट्रिच. कंगारू लायन एंड टाइगर ये सब वाइल्ड एनिमल्स है, ठीक है? ऑस्ट्रिच बर्ड में जाता है. देन फाइव नंबर, कुक्कू, किंगफिशर, पैरट एंड टर्टल. कुक्कू, किंगफिशर, पैरट ये सब एक एक बर्ड है, टर्टल एक बार नहीं है, तो ये सबसे अलग है टर्टल. देन सिक्स नंबर, टाइगर, टाइगर ऑल्फ, लायन, काउ. टाइगर ऑल्फ लायन ये वाइल्ड एनिमल से, काउ एक डोमेस्टिक एनिमल से, सो काउ इज ए ऑड. यहाँ पर सबसे अलग काउ है. टाइगर लायन लियोपर्ड मंकी. टाइगर लायन लियोपर्ड सब टेरिस्ट्रियल एनिमल से, लेकिन मंकी एक एर्बोरियल एनिमल से, क्योंकि वो पेड़ में ज्यादातर अपना समय बिताता है. सो यहाँ पर सबसे अलग क्या है? मंकी. एट नंबर, शार्क, ऑक्टोपस, स्टारफिश, डक. शार्क, ऑक्टोपस, स्टारफिश ये सब सी में पाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर अलग है डक. देन नाइन नंबर, कैरट, रेडिश, टर्निप एंड स्पिनच. कैरट, रेडिश, टर्निप ये जितने भी वेजिटेबल्स हैं इनका हम रूट खाते हैं, लेकिन स्पिनच जो है उसका हम लीव्स खाते हैं, तो सबसे अलग यहाँ पर क्या है? स्पिनच. देन टेन नंबर, बनाना, ग्रेप्स, पपाया, पीस. बनाना, ग्रेप्स, पपाया, पीस ये सब कि बनाना, ग्रेप्स, पपाया ये सब क्या है? वेजिटेबल्स नहीं है, फ्रूट्स है, लेकिन पी जो है वो वेजिटेबल्स में जाता है, तो पी सबसे अलग है, सबसे और है. इलेवन नंबर, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, कॉलीफ्लावर, सनफ्लावर. तो ब्रिंजल, लेडीज फिंगर एंड कॉलीफ्लावर आर वेजिटेबल्स, ये सब वेजिटेबल्स है. सनफ्लावर वेजिटेबल्स नहीं है, तो यहाँ पर सनफ्लावर सबसे अलग है. ट्वेल्थ नंबर, रोज, लटस, मैरीगोल्ड, कॉलीफ्लावर. तो रोज, लटस, मैरीगोल्ड ये सब फ्लावर है, लेकिन कॉलीफ्लावर एक वेजिटेबल है, तो यहाँ पर सबसे अलग या ऑड कॉलीफ्लावर है, ठीक है? देन चैप्टर सेवन, लुक हुज फ्लाइंग. Look who's flying. The ostrich is the largest bird. सबसे largest bird कौन सा है? Ostrich. A big male can weigh over 130 kgs pounds. जो male है, सबसे बड़ा ostrich male, उसका weight है लगभग 130 kgs. And stand up to 2.4 मीटर्स टॉप. और वो जब
स्टैंड करता है तो उसका हाइट लगभग 2.4 मीटर होता है, बट इट कैन नॉट फ्लाई, लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकता। देन किवीज आर फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन न्यूजीलैंड। तो किवी एक ऐसा बर्ड है जो फ्लाइटलेस है, वो उड़ नहीं सकते हैं। ये कहां पर पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। द कॉमन स्विफ्ट कैन स्लीप इवन व्हेन इट इज फ्लाइंग, दिस हेल्प्स इट टू माइग्रेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। जो स्विफ्ट है, कॉमन स्विफ्ट, वो जब फ्लाइंग करते हैं तभी भी वो स्लीप कर सकते हैं, वो सोते सोते भी फ्लाइट कर सकते हैं, इसलिए वो ज्यादा दूर तक माइग्रेट कर पाते हैं, अर्थात एक प्लेस से और एक प्लेस जा पाते हैं। ट्रेन हॉक्स कॉल्ड फाल्कन्स आर यूज टू हंट स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स। जो हॉक है वो बर्ड्स को ट्रेन किया जाता है, जिसको बोला जाता है फाल्कन्स। वो किसके लिए यूज होता है? स्मॉल बर्ड्स और एनिमल्स का हंट करने के लिए या शिकार करने के लिए। Then a toucan uses its big colorful beak to fight enemies and to eat fruit and birds eggs। जो toucan होता है वो अपना beak और colorful जो beak होता है उसके द्वारा वो अपने enemies के साथ fight करता है और उससे अपना fruit या birds का egg भी खाता है। Then the spoonbill, it is a large wading bird। स्पून बिल जो है वो लार्जेस्ट वाडिंग बर्ड है। एंड दैट पैडल सैंड स्विम्स इन द ट्रॉपिक्स ड्रैगिंग इट्स लॉन्ग स्पून शेप बिल थ्रू द वाटर फ्रॉम साइड टू साइड। वो अपना जो पैडल है वो वाटर में साइड बाय साइड वो अपना यूज करते हैं स्विम करने के लिए। देन वल्चर्स आर स्कैवेंजर्स and mainly feed on dead animals, they have very strong claws and sharp beaks। vultures jo hain unko scavengers kaha jata hai, kyun? kyunki wo dead animals and garbage khate hain, isliye unko scavengers kaha jata hai। and unka jo claws aur unka jo claws hai bahut strong hota hai aur unka beaks bhi bahut sharp hota hai। नेक्स्ट चैप्टर 8, प्लांट सम गुड थिंग्स। द फ्लावर ऑफ द डैंडेलायन क्लोजेस अप एट नाइट एंड ओपन्स अप ड्यूरिंग द डे। जो डैंडेलायन का फ्लावर होता है वो रात में ओपन होता है, सॉरी क्लोजेस एट नाइट, रात में बंद होता है और दिन में खुल जाता है या खिल जाता है। ऑल फ्लावर्स डू नॉट हैव ब्राइटली कलर्ड पेटल्स। जितने भी फ्लावर्स है उन सब का ब्राइट कलर का पेटल्स नहीं होता है। देन द फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस हैव नो पेटल्स एट ऑल। और जो ग्रासेस ऑफ फ्लावर्स है, फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस से उनका टोटली पेटल्स नहीं होता। देन इट इज बिलीव्ड दैट द फर्स्ट मुगल एम्पायर बाबर ब्रॉट द रोज प्लांट टू इंडिया। ये बिलीव करा जाता है कि फर्स्ट मुगल एम्पायर बाबर पहले रोज प्लांट हमारे इंडिया में लाए थे। देन क्विनाइन, क्विनाइन इज ए ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, इज ऑब्टेंड फ्रॉम द बार्क ऑफ द चिंचोना प्लांट। तो जो क्विनाइन एक मेडिसिन है, एक ड्रग है, हम सब जानते हैं क्विनाइन मलेरिया का डोज होता है, मलेरिया के लिए यूज किया जाता है। तो ये किससे बनता है? बार्क ऑफ द चिंचोना प्लांट, चिंचोना प्लांट का बार्क से बनाया जाता है। देन ए कॉलीफ्लावर इज एक्चुअली ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। कॉलीफ्लावर
इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, वो भी एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स में मिलाया जाता है कॉलीफ्लावर को। देन क्लब्स आर ड्राइड फ्लावर पॉड्स, क्लब्स वो जितने भी सारे हम करी बनाते हैं मसाला, आज मसाला हम उसको यूज करते हैं, तो वो एक ड्राई जो सूख जाता है, जो फ्लावर बर्ड सूख जाता है उसके बाद उसको यूज करते हैं क्लब्स को। देन सनफ्लावर सीड्स आर रिच इन प्रोटीन, सनफ्लावर्स का जो सीड है उसके अंदर बहुत प्रोटीन होता है। दे आर यूज टू मेक वेजिटेबल ऑयल विच इज यूज फॉर कुकिंग, तो ये ऑयल, इससे ऑयल बनाया जाता है जिसे हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं। वुड पल्प इज यूज फॉर मेकिंग पेपर एंड रेयन, वुड पल्प से हम पेपर एंड रेयन बना सकते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, क्लॉथेस आर मेड फ्रॉम इट, कॉटन प्लांट्स से कॉटन निकाला जाता है और उसी कॉटन से जितने भी सारे क्लॉथेस से उसको बनाया जाता है। देन वी यूज वुड टू मेक फर्नीचर सच एज टेबल्स, चेयर्स, अलमीराज एटसेट्रा, जितने भी सारे वुड है उससे घर का फर्नीचर, टेबल्स, चेयर्स, अलमीरा आदि बनाया जाता है। वी ऑल्सो गेट रबर एंड गम फ्रॉम प्लांट्स, हम रबर जितने भी गम से वो भी एक प्लांट से ही प्राप्त कर पाते हैं। द ब्रेड यू ईट एट ब्रेकफास्ट इज मेड आउट ऑफ व्हीट, हम जो ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाते हैं वो ब्रेड व्हीट से बना हुआ होता है।